गाइस, वेलकम टू लर्न शॉपिफाई। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कलेक्शन बैनर, जो एक मैंने नया सेक्शन बनाया, उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी डॉन थीम या कोई भी थीम में, अपनी शॉपिफाई 2.0 फ्री थीम के अंदर। सो ये कोड लिखने का पर्पस क्या था? इस कोड लिखने का ये पर्पस था कि आप कोई भी कलेक्शन बनाते हैं एंड आप यहाँ पे उसकी इमेज डाल देते हैं, तो वहाँ पे कलेक्शन पेज पे इमेज आ जाती है। एंड स्टार्ट करने के लिए ये एक मैंने कस्टमाइजर के अंदर एक डिफ़ॉल्ट कलेक्शन खोली हुई है, तो इसी के ऊपर ही ट्यूटोरियल भी सिखाया जाएगा। सो इसके अंदर इशू ये आता है कि अगर आप कोई भी इमेज डालते हैं तो वो रिस्पॉन्सिव नहीं होती है, मतलब कि मोबाइल और डेस्कटॉप के लिए वो एक ही इमेज शो हो रही होती है, क्योंकि मोबाइल के लिए रेजोल्यूशन बदल जाएगा। आपको एक वर्टिकल फ़ोटो चाहिए एंड डेस्कटॉप के लिए आपको एक हॉरिजॉन्टल फ़ोटो चाहिए। सो वो इससे अचीव नहीं हो पाता। दूसरी बात ये होती है कि आप इसको अचीव कर सकते हैं मेटाफील्ड लगा के, कुछ डेवलपर्स कहेंगे, पर ये ट्यूटोरियल उनके लिए नहीं है जिनको ऑलरेडी ये हैक पता है। बहुत से लोगों को कोडिंग नहीं आती है एंड वो चाहते हैं एक सिंपल फिक्स मिल जाए, तो ये वीडियो उस चीज़ के लिए है। मैं आपको सेक्शन दे दूँगा, आपको बस खाली वो कोड कॉपी पेस्ट करना है एंड वहाँ पर आपको इमेजेस ऐड करनी है। और वो तरीका कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये हमने एक डिफ़ॉल्ट कलेक्शन खोली हुई है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा। वो इस तरीके का नहीं खुलेगा जैसे अभी मेरे में खुला हुआ, क्योंकि मैंने लिंक साइन इन किया हुआ। तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको सेम ऐसा ही कोड दिखेगा, आपको बस खाली इसको कॉपी कर लेना है। आप यहाँ पर जाएँ, कॉपी कर लीजिए इसको एंड आपको अपनी थीम की कॉपी बना लेनी है, ताकि अगर कोई भी चीज़ ख़राब होती है तो आपके पास एक बैकअप ज़रूर रहेगा। सो आपको थीम की एडिट कोड पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करके एडिट कोड पे जाना है एंड मेक श्योर, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इस थीम की कॉपी बना लीजिए। एडिट कोड पे जाने के बाद आपको सेक्शंस पे जाना है, यहाँ पे ऐड न्यू सेक्शन पे जाना है, कलेक्शन न्यू बैनर। आप इसका कोई भी नाम दे सकते हैं, आप यही सेम नाम भी दे सकते हैं ताकि कंफ्यूजन कोई क्रिएट ना हो। आपको यहाँ पे क्रिएट कर देना है। अब आपके पास डिफॉल्ट स्कीमा आ जाएगा और स्टाइल और जावास्क्रिप्ट आ जाएगा, जो कि आपको खुद एडिट करना पड़ेगा, जो आपको एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पूरा सिलेक्ट करना है, इसको कंट्रोल ए भी दबा सकते हैं एंड फिर कंट्रोल बी दबा देना आपको, तो ये ओवर राइट हो जाएगा। आपको पुराने वाला वो जो वर्जन आ रहा था वो यूज़ नहीं करना है, ये जो हमने कोड सेलेक्ट किया है ये यूज़ करना है एंड इसको सेव कर देना है। इसको सेव करने के बाद हमें कस्टमाइजर पे दोबारा जाना है, इसको रिफ्रेश करना है, तभी वो कोड इसके अंदर रिफ्लेक्ट होगा। बहुत बारी ये ग्लिच आ जाता है कि लोगों के अंदर वो कोड रिफ्लेक्ट नहीं होता है। ऐड सेक्शन पे जाना है और ये सब काम आपको एक कलेक्शन पेज पे करना है, आप इसको होम पेज या प्रोडक्ट पेज पे मत करना, वरना वो रिफ्लेक्ट ही नहीं होंगे बैनर्स। यहाँ पे अब आपका एक सेक्शन बना जाएगा बैनर कलेक्शन न्यू के नाम से। आप बैनर कलेक्शन न्यू के नाम से सर्च भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं मिल रहा। सो यहाँ पे हमारा कलेक्शन बैनर न्यू आ गया, इसको ट्रैक करके हम ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि यूजुअली कलेक्शन के जितने भी बैनर्स होते हैं वो सबसे ऊपर आते हैं। अब यहाँ पे ये सिस्टम ये है कि हमें ऐड कलेक्शन बैनर्स पे क्लिक करना है पे। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी तीन कलेक्शंस है, मेरे यहाँ पे तीन कलेक्शंस नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। सो हम यहाँ पे एक कलेक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं एंड वो कलेक्शन सेलेक्ट हो जाएगी एंड उस पर आप जो भी बैनर्स असाइन करोगे तो वो सिर्फ उसी कलेक्शन पे वो बैनर देखेंगे। अब यहाँ पे आप दूसरे पे आओगे, दूसरे पे अगर आप होम पेज सेलेक्ट करोगे तो ये जो बैनर्स लगेंगे वो सिर्फ होम पेज पे शो होंगे। सो अभी हम डेमो की तरफ जाते हैं, यहाँ डेस्कटॉप के लिए बैनर ले रहा हूँ मैं। मैंने प्रेफरेबली एक हॉरिजॉन्टल इमेज ली है डेस्कटॉप के लिए, और मोबाइल के लिए मैं एक वर्टिकल इमेज लूँगा एंड हम इसको सेव कर देंगे। सो सेव करने के बाद जैसे ही अगर मैं इसको मोबाइल पे स्विच करता हूँ तो आपको दिखेगा कि ये बैनर चेंज हो गया है, मोबाइल के लिए डिफरेंट है और डेस्कटॉप के लिए डिफरेंट है। अब यहाँ पे ये इमेज ब्लर आ रही है क्योंकि मैंने रेकमेंडेड साइज़ यूज़ नहीं किया है। अब जो इसका रेकमेंडेड साइज़ है वो यहाँ पे दिया हुआ है 1477x332, ये पिक्सल्स के अंदर है, px। सो आपको डेस्कटॉप के लिए ऐसा बैनर का ये साइज़ चाहिए होगा एंड मोबाइल के लिए आपको चाहिए होगा 600x480, वरना वो चीज़ें पिक्सल 8 हो जाएंगी। बट अगर आप भी मेरी तरह है,
आपके पास एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल इमेज है, तो आप चाहते हैं कि वो उसकी तरह अडेप्ट कर ले, तो आपको बस खाली इसको हटा के मास्टर लिखना है। अब मैं यहाँ पे मास्टर लिख के इसको सेव कर दूंगा। इसके सेव हो जाने के बाद हम इसको रिफ्रेश करेंगे। मास्टर बेसिकली एक शॉपिफाई लिक्विड का फिल्टर है जो कि फोटो का साइज डिटरमाइन करता है। मास्टर जो सबसे बड़ा साइज होता है वो होता है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पिक्सेलेट नहीं हो रही इमेज और इसने मास्टर साइज ले लिया है, बोथ मोबाइल एंड डेस्कटॉप। सो अगर आपको वो प्रीवियस वाला आपको रेजोल्यूशन यूज़ करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, आप मास्टर भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये है हमारा कलेक्शन बैनर जो कि आपको हर एक कलेक्शन पे असाइन हो जाएगा। एंड अगर आपको इस पे दिखा के देखूं कि होम पेज पे अगर नहीं आ रहा है ये, सो मैं यहाँ पे जाऊँगा एंड होम पेज पे व्यू करूँगा इसको। बेसिकली मैं इसको होम पेज पे व्यू नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये थीम लाइव नहीं है। सो बेसिकली अपन थीम को लाइव कर लेते हैं। सो इसको लाइव करने के बाद मैं अगर आपको होम पेज दिखाऊंगा अपना, सो होम पेज पे ये नहीं आ रहा है। लेकिन अब मैं जाऊँ अगर डेमो पे, और डेमो पे मैं इसको व्यू करूँगा, सो डेमो पे आ रहा है। सो ये डायनामिक भी बन गया है एंड ये हर कलेक्शन के लिए एक अलग बैनर भी शो करेगा। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो अगर आपको कोई भी और हेल्प चाहिए हो शॉपिफाई की कोडिंग के अंदर तो आप बता सकते हैं, जो भी पॉसिबल होगा मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।